नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नवीन और आप देख रहे हैं टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप सभी के लिए बड़ी गुड न्यूज है। अगर आप टाटा मोटर्स में नौकरी पाना चाहते हैं तो टाटा मोटर्स में आ चुकी है नई वैकेंसी, जिसकी पूरी जानकारी हम लेकर आए हैं आज के इस वीडियो में। सबसे पहले दोस्तों आपको बता दें कि टाटा मोटर्स में ये जो वैकेंसी निकाली गई है हर एक स्टेट के लिए निकाली गई, मतलब कि जो जॉब है ऑल इंडिया की जॉब है। तो अगर आप इंडिया के किसी भी स्टेट या डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं तो आप सभी कैंडिडेट्स जो हैं अप्लाई कर सकते हैं। सभी मेल और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसी है, यानी कि लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी अप्लाई कर सकती हैं इस जॉब के लिए। और क्वालिफिकेशन के बारे में आपको सबसे पहले बता दें, अगर आप केवल 10th क्लास पास हैं तो आप जो है 100% एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। 10th के अलावा अगर आप 12th पास भी हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएट पास भी हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ITI पास भी हैं तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप डिप्लोमा पास हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप डिग्री पास हैं तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मतलब सभी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स के लिए यहां पर जॉब निकाली गई है। और अप्लाई करते समय बिल्कुल फ्री में आपको अप्लाई करना है, बिल्कुल फ्री में, ठीक है, कोई भी फीस आपको नहीं देनी है, बिल्कुल फ्री में आपको अप्लाई करना है। और यहाँ पर दोस्तों आपका कोई भी एग्जाम नहीं होने वाला है, ठीक है, कोई भी आपका एग्जाम यहाँ पर नहीं होने वाला है, डायरेक्ट आपका यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है। तो अगर आप भी टाटा मोटर्स में 100% सिलेक्शन पाना चाहते हैं तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो टाटा मोटर्स में जो भर्ती निकाली गई है काफी बल्क में, काफी भारी मात्रा में भर्तियां निकाली गई है और काफी अर्जेंट हायरिंग निकाली जा रही है। आप चाहे तो इसका बेनिफिट ले सकते हैं और जल्द से जल्द यहां पर अप्लाई करके सिलेक्शन भी पा सकते हैं। 7 से 15 दिनों के अंदर आपको यहां पर ज्वाइनिंग मिल रही है, तो अभी के अभी अप्लाई कीजिएगा। अप्लाई कैसे करना है, सिलेक्शन कैसे पाना है वो हम आपको बताएंगे, ताकि आप अच्छे से अप्लाई कर सकें और सिलेक्शन पा सकें। काफी सारे बच्चे जो है गलतियां करते हैं अप्लाई करते समय और उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, आपको यहां पर सिलेक्शन नहीं मिल पाता है, तो आपको वो गलती नहीं करनी है, ठीक है, जो दूसरे करते हैं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो एंड तक देखिएगा, तभी आपके सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं। और आगे बढ़े उससे पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी को आज ही सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ये इंडिया का नंबर 1 एजुकेशन चैनल है जहां पर आपको सबसे पहले नई जॉब की अपडेट दी जाती है, वो भी 100% रियल अपडेट, कोई भी फेक इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती है, 100% रियल अपडेट आपको यहां पर दी जाती है नई जॉब की। तो ये लोगो है और ये सब्सक्राइब करने का बटन है, इसको दबा दीजिएगा और घंटी का बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं सीधा वेबसाइट की ओर। तो ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है tipsvarialpar.xyz। यहां पर आपको सबसे पहले नई जॉब की जानकारी दी जाती है, टाटा मोटर्स की जानकारी भी आप यहां से लेकर के अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टाटा मोटर्स की नई रिक्रूटमेंट के बारे में, नई जॉब के बारे में, जो कि इस साल 2024 की नई वैकेंसी है। तो दोस्तों टाटा मोटर में ये जो भर्ती निकाली गई है मल्टीपल जॉब है, अलग अलग डिपार्टमेंट से अलग अलग पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है। पहली बार कुछ नई वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है, जैसा कि कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज की वैकेंसी है, अकाउंटेंट की है, टेक्नीशियन की है, इंजीनियर्स की है, मैनेजर्स की है, सीनियर मैनेजर की है, पर्सनल असिस्टेंट की है, सिक्योरिटी बॉय की है, सेल्स की है, हेल्पर की है, मतलब कि मल्टीपल वैकेंसीज यहां पर आउट की गई है। और आप देख सकते हैं 8000 से अधिक वैकेंसीज यहां पर निकाली गई है। और दोस्तों यहां पर अप्लाई करने का जो प्रोसेस दिया गया है वो सिर्फ ऑनलाइन दिया गया है, ऑनलाइन ही आपको फॉर्म भर के सबमिट करना होगा और ऑल इंडिया के सभी मेल और फीमेल कैंडिडेट्स जो हैं अप्लाई कर सकते हैं। और टाटा मोटर्स के अलावा और भी नई वैकेंसीज है जिसकी जानकारी और अप्लाई करने का लिंक यहाँ पर दिया गया है, यहाँ से आप राइट क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि टाटा मोटर्स की इस वैकेंसी के लिए आपका सिलेक्शन किस प्रकार होने वाला है। मैंने आपको बिगनिंग में ही बताया था कि आपका कोई भी एग्जाम नहीं होगा, तो सिंपली आपका यहां पर इंटरव्यू लिया जाएगा। कुछ पोस्ट ऐसी है जिसके लिए आपका स्किल टेस्ट लिया जा सकता है, ठीक है, तो स्किल टेस्ट आपका हो सकता है कुछ पोस्ट के लिए। बाकी कुछ पोस्ट ऐसी है अपर कैटेगरी की जहां पर आपका ग्रुप डिस्कशन हो सकता है, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। और सैलरी की बात कर लेते हैं तो 18,000 से लेकर के 42,000 रुपए कम से कम आपको पर मंथ सैलरी मिल रही है। इसके अलावा काफी सारे अलाउंसेस मिलेंगे, काफी सारे बेनिफिट भी आपको मिलने वाले हैं। वहीं जॉब लोकेशन की बात की जाए तो ऑल ओवर इंडिया की जॉब लोकेशन है, जहां जहां पर टाटा मोटर्स की ब्रांचेस है, कंपनी है, वहां पर आपको ये जॉब मिल जाएगी, ठीक है, वहां के लिए आप जो है प्रेफरेंस दे सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पर इस जॉब के लिए एज लिमिट क्या होनी चाहिए। तो कम से कम आप जो है 18 साल के हो जाने चाहिए, ठीक है, और मैक्सिमम जो है 50 साल तक के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो 18 से 50 साल तक के कैंडिडेट्स इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहीं एप्लीकेशन फीस जो है जनरल ओबीसी एससी एसटी और किसी भी सिटी में आप रहते हैं तो बिल्कुल फ्री है, कोई भी चार्जेस आपसे नहीं लिए जा रहे हैं, ठीक है। और क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं तो दोस्तों यहाँ पर 10वीं पास से लेकर के 12वीं
ग्रेजुएट डिग्री डिप्लोमा इंजीनियरिंग पास आईटीआई पास सभी के लिए जॉब निकाली गई है। तो अभी के अभी अप्लाई कीजिएगा और अप्लाई करते समय आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ने वाली है, जैसे कि आपकी फोटोग्राफ, आपके सिग्नेचर चाहिए, आपकी मार्कशीट चाहिए, आपका आधार कार्ड चाहिए, आपकी कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, आपका एज प्रूफ चाहिए, आपका ईमेल आईडी और आपका मोबाइल नंबर, दोनों को ओटीपी से वेरीफाइड भी करना होगा। तो इस प्रकार के सभी डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए और अप्लाई करने का प्रोसेस आपको यहाँ पर दिया गया है, कैसे आपको फॉर्म भर के सबमिट करना है। तो आवेदन शुरू हो चुके हैं, यहाँ पर आपको लिंक दिया गया है फ्रेंड्स, जैसा कि आप देखते हैं यहाँ पर लिंक है, इस पर आपको क्लिक करना होगा और कुछ सेकंड आपको वेट करना होगा, आपके सामने टाटा मोटर्स का ऑनलाइन फॉर्म आ जाएगा जिसको आपको भर के सबमिट करना है। तो डायरेक्टली आप जो है इस फॉर्म को भर के सबमिट कर दीजिएगा। यहाँ पर करना क्या है, ठीक है, सबसे पहले आपका ईमेल आईडी देना है, फिर से रिपीट करना है, पासवर्ड डालना है और उसके बाद आपको फिर से पासवर्ड डालना है, ठीक है। और उसके बाद आप देखते हैं यहाँ पर पासवर्ड डालने के बाद आपका फर्स्ट नेम लास्ट नेम देना है, आपकी कंट्री क्या है सेलेक्ट कर लेनी है यहाँ से, और उसके बाद में इसको भी राइट कर दीजिएगा और इसको यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा, आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पर करना होगा लॉगिन, ठीक है, यहाँ पर आपको लॉगिन करना है, लॉगिन करके आपको अप्लाई करना है। और दोस्तों लॉगिन करने के बाद में सबसे इंपॉर्टेंट काम आपको करना होगा, आपका रिज्यूमे अपडेट करना है और यहाँ पर अपलोड कर देना है, ठीक है। अपलोड करने के बाद में आपको जो भी इन्फॉर्मेशन डालनी है वो डाल दीजिएगा जो आपसे मांगी जा रही है, उसके बाद फॉर्म को सबमिट कर दीजिएगा। आप जो है वन बाय वन करके वैकेंसी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, काफी सारी जॉब्स यहाँ पर आउट कर दी गई है, ठीक है। बाकी दोस्तों कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। आपको यहाँ पर वेट करना है और आप देख सकते हैं काफी सारी जॉब्स आपके सामने निकल कर आ जाएगी, वो तो मैंने आपको अप्लाई करने का प्रोसेस बताया गया है, बता दिया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन कौन सी वैकेंसीज है, वन बाय वन करके अपने लोकेशन के हिसाब से आप जो है वैकेंसी को फाइंड कर सकते हैं। आप यहाँ पर लोकेशन में सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपकी लोकेशन है, आप यहाँ पर जॉब का टाइटल सेलेक्ट कर सकते हैं, आप यहाँ पर कंपनी टाइटल कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और आप चाहे तो यहाँ पर और भी पेजेस दे रखे हैं, इनको आप नेक्स्ट कर करके चेकआउट कर सकते हैं। तो इस प्रकार आपको अप्लाई करना होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर इस जॉब के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है, ठीक है, कब इस पोस्ट को अपडेट किया गया है, कौन कौन सी क्वालिफिकेशन है, और ये रहा अप्लाई करने का बटन, यहाँ पर भी आप डायरेक्टली क्लिक करके लॉग इन करके अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों कोई भी डाउट है अगर आपसे अप्लाई नहीं हो रहा था कमेंट कीजिएगा, हम आपको बताएंगे कैसे आपको अप्लाई करना है फिर से, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको नई भर्तियों की जानकारी सबसे पहले मिल सके। थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।